हटाओ लोकशाही बचाओ के तहत 7 मार्च को बल्लारपुर शहर में भूमिपुत्र ब्रिगेड की ओर से विराट मोर्चा का आयोजन किया गया है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षण, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, बलात्कार, किसान आत्महत्या, युवकों को रोजगार देने के एवज में उन्हें नशे का आदि किया जा रहा है। फसलों की निर्यात बंद कर केंद्र की भाजपा सरकार किसानों को आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्ति कर रही है। जनता की समस्या की और ध्यान न देकर उनका हक छीन रही है, जिसका मुख्य कारण वर्तमान भाजपा सरकार को ईवीएम में मतों की हेराफेरी कर जितने का विश्वास है। विरोधी पक्ष के लोक प्रतिनिधि ने इन समस्याओं पर आवाज उठाई तो उन्हें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर उनकी आवाज दबाई जाती है और कुछ नेताओं को जेल भेज दिया जाता है। पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार 2024 के चुनाव ईवीएम के माध्यम से न लेते हुए बैलेट पेपर से, इस मांग को लेकर दिल्ली में हजारों वकील व नागरिक आंदोलन कर रहे हैं इन देशभक्त आंदोलकों को समर्थन देने के लिए। और ईवीएम की वजह से लोकशाही, संविधान को धोखा निर्माण हुआ है, जिसके लिए ईवीएम हटाव और लोकशाही बचाव, ऐसी मांग को लेकर 7 मार्च को बल्लारपुर शहर के कांटा गेट से तहसील ऑफिस तक शांतिपूर्वक संविधानिक मार्ग से निदर्शन का आयोजन किया है। इस निदर्शन रैली में जागरूक नागरिकों ने उपस्थिति रहने का आह्वान भूमिपुत्र ब्रिगेड की ओर से किया गया। डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे, आपको सबको अपील कर रही हूँ कि 7 मार्च को बल्लाशाह में हम एक बड़ा विराट मोर्चा निकाल रहे हैं और वो मोर्चा ईवीएम के खिलाफ है और हमारे किसान भाइयों के समर्थन में है। हमारे जो किसान भाई कई महीनों से पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा बॉर्डर तक आ चुके हैं, पर उन्हें दिल्ली में आने नहीं दिया जा रहा है और बड़े ही बेरहमी से उनके साथ बर्ताव हो रहा है। किले गाड़े जा रहे हैं और सब उनकी मांगे मानी नहीं जा रही है। तो हम उनके समर्थन में आज हम 7 मार्च को उतरेंगे। और देश में आज लोकशाही नहीं है, संविधान नहीं है, सारी बातें हैं वो संविधान के खिलाफ हो रही हैं। हम कई बार रास्तों पे आके मांगे कर रहे हैं। हम नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं, हम शिक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, हम अच्छी आरोग्य और हमारे सारे संविधानिक अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं, पर वो मांगे मानी नहीं जा रही है। क्योंकि आज सत्ता जो है उनके हाथों में ईवीएम मशीन है और उन्हें कोई लोगों से लेना देना नहीं, और इसलिए ईवीएम हटाए जाने पर और बैलेट पेपर लाने पर हम अडिग हैं। और इसी मांग को लेकर हम रास्ते पे उतरेंगे और जब तक बैलेट पेपर नहीं आता हम ये मांग करते रहेंगे। ये मोर्चा 7 मार्च को बल्लाशाह कांटा गेट से शुरू होगा, 10 बजे का समय है और नगर परिषद में जाकर ये मोर्चा वहाँ निवेदन देकर समाप्त होगा। तो मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस मोर्चे में शरीक हों।